बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी, पत्रकार की रिपोर्ट। भभुआ के पूर्व विधायक दिवंगत विजय शंकर पांडेय की प्रतिमा रामपुर प्रखंड मुख्यालय पर लगाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा के पूर्व विधायक दिवंगत विजय शंकर पांडेय की प्रतिमा को रामपुर प्रखंड मुख्यालय में लगाने के लिए पूर्व विधायक के पुत्र अशोक कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिस ज्ञापन में रामपुर प्रखंड के सभी मुखिया, सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी सरपंच, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख सहित प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष के अलावे प्रखंड के सभी प्रतिनिधियों ने अपना हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है। इस संबंध में उनके पुत्र अशोक कुमार पांडेय उर्फ मुन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक श्रद्धेय विजय शंकर पांडेय भभुआ विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा भभुआ में जो कार्य किया गया वह सराहनीय है। आज भी क्षेत्र में विकास पुरुष कहकर उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैमूर में जिला मुख्यालय एवं रामपुर प्रखंड को स्थापित कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके अथक प्रयास से रामपुर प्रखंड बनाया गया है। इसलिए रामपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि ही नहीं, समस्त जनता की हार्दिक इच्छा है कि उनकी प्रतिमा को रामपुर प्रखंड मुख्यालय में लगाया जाए, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान करके प्रशासन के तत्परता से ही प्रखंड मुख्यालय में प्रतिमा लगाई जाए। इसी को लेकर समस्त रामपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर किया गया तथा मान पत्र को कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला को सौंपा गया और उन्होंने कहा कि इस मान पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा। श्रद्धेय पूर्व विधायक की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 16 फरवरी को मनाई जाती है। सभी जनप्रतिनिधि एवं रामपुर प्रखंड की जनता की हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष श्रद्धेय पूर्व विधायक की पुण्यतिथि प्रखंड मुख्यालय में उनकी प्रतिमा लगाकर मनाई जाए। इसी को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कैमूर जिले में विश्वविद्यालय एवं उद्योग संस्थान के लिए सरकार से मांग किया है ताकि कैमूर के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। धन्यवाद है कि आपके माध्यम से हमारी बातें समाज में जा रही हैं, जाएंगी। और उसके बाद इस जो आपका सवाल है उस पर मेरा ये कहना है कि विजय शंकर पांडे इस कैमूर जिले का एक काम का पहचान नाम है, जिन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो ऐतिहासिक है, जिसमें सबसे पहला काम तो जिला मुख्यालय, जिला का जन्म देने में भी उनका हाथ रहा है जब वो विधायक रहा करते थे इस क्षेत्र से। लेकिन इसके पूर्व ये जिस प्रखंड के हम निवासी हैं, जहाँ हमारा गांव बसता है, उस गांव का जो प्रखंड है उसके जन्मदाता भी श्रद्धेय स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी ही थे। उन्होंने ही इस प्रखंड को जन्म दिया और इसके लिए हमारे क्षेत्र की सभी जनता वर्षों से प्रयासरत थी कि प्रखंड मुख्यालय पर उनकी एक मूर्ति का अनावरण हो और सरकारी स्वीकृतियों के द्वारा हो, जिसके लिए हमारे प्रखंड के जितने भी प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय, जितने भी 9 पंचायत के मुखिया हैं, 11 पंचायत समिति सदस्य हैं और जितने भी हमारे यहाँ के पैक्स अध्यक्ष और हमारे प्रखंड प्रमुख हैं, सम्मानित उप प्रमुख हैं, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संयुक्त हस्ताक्षर कर मोहर लगाकर हमको दिया है कि आप जाके इसको कैमूर जिला के जिला पदाधिकारी के माध्यम से यह चिट्ठी मुख्यमंत्री तक भेजी जाए और बिहार सरकार वहाँ से इसकी अनुमति दे, जिससे कि प्रखंड मुख्यालय पर श्रद्धेय विजय शंकर पांडेय जी पूर्व विधायक की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए। इसी उद्देश्य से आज मैं वो कागज सारे लेकर जो आपको मैंने दिखाया मैं अब लेकर जा रहा हूँ माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ और वहाँ उनसे मिलकर इसको मैं दूंगा और अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित विधायकों द्वारा, बिहार के कुछ मंत्रियों द्वारा भी मैं इसको मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचाऊँगा और ये अथक प्रयास रहेगा कि नहीं ये मूर्ति यहाँ स्थापित हो, क्योंकि हर वर्ष 14 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। हम चाहेंगे कि इस 14 फरवरी को, आगे आने वाले 14 फरवरी को, इस मूर्ति को हम लोग वहाँ लगा कर और उसके बाद इस पुण्यतिथि को मनावें, इस उद्देश्य से हम लगे हुए हैं और इसी उद्देश्य से मैं जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ मिलने जा रहा हूँ। हमारी जो भी पहचान है उन्हीं के माध्यम से है और जो कुछ भी हमने सीखा है उन्हीं से सीखा है, समाज सेवा करने का तरीका, और जो भी शिक्षा दीक्षा भी मुझे मिली है उन्हीं के माध्यम से, जैसा वो मन मिजाज रखते थे उस हिसाब से हमने प्रयास किया शिक्षा ग्रहण करने का। और मैं 2000 से लेकर आज 2022 तक लगातार मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ की जनता ने हमेशा मुझे अपना बल दिया और यहाँ की जनता सम्मानित है जिसने दिया।
जिससे आज भी मैं उनकी सेवा करने के लिए मौका मुझे मिल रहा है और मैं सेवा कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों से यही सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा ये कैमूर ज़िला अधिकांश पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ ज़िला है और पहाड़ी इलाके में पहले जिसकी पहचान नक्सली अपराधी के नाम पर हुआ करती थी बिहार के मानचित्र पर, आज हमारे इलाके के लोगों के सहयोग से चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो अधौरा हो, चाहे चैनपुर चांद हो, यहाँ की कैमूर की तराइयों के लोगों ने आपस में अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए आज अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में विश्वविद्यालय बने, हमारे इलाके में बड़े उद्योग लगाए जाएँ जिससे कि यहाँ के लोग का पलायन रुके और हम अपना विकास अपने ज़िले के अंदर ही रहकर कर सकें। इसमें हम लोगों की जागरूकता चाहेंगे और हमारे इलाके के लोग जागरूक हैं और इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे, मैं खरेंदा पैक्स का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, पूर्व में खरेंदा पंचायत का मुखिया था और इस समय एक राष्ट्रीय दल से जुड़ा हुआ हूँ वर्षों से, उसका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ और इस समय पर तत्काल में वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य हूँ।